अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब लोगों को एपिसोड 59 में खुश आमदीद कहते हैं। एक नया हफ्ता, एक नए चैलेंजेस और नए फंड्स के साथ। लास्ट वीक मार्केट ने बाउंस किया था एंड BTC जस्ट मेड अ ऑल टाइम हाई ऑफ 112,000 डॉलर्स। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प ने उसके बाद ट्वीट कर दिया, ही इज रिज्यूमिंग टैरिफ्स ऑन EU। 50% टैरिफ्स विल बी कंटिन्यूड फ्रॉम 1 जुलाई ऑन EU, एंड ही ऑल्सो थ्रेटन्ड नॉन US मेड आईफोन्स विल बी टैरिफ 25% एज वेल। जिसके रिस्पॉन्स में BTC डम्प्ड, ऑल्सो द स्टॉक मार्केट डम्प्ड एज वेल। उसके अलावा एक और न्यूज़ आई थी सिटीज प्रोटोकॉल हैक की, जिसमें हम लेटर ऑन दिस पॉडकास्ट हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं हसन तारिक की तरफ, जो कि हमें अभी मार्केट के सिनेरियोज एंड उसकी नेक्स्ट मूव के बारे में हमें एनालाइज करके बताएंगे। देन वी विल कवर द सिटीज प्रोटोकॉल हैक। ओवर टू यू हसन भाई। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। बहुत ही हम काफ़ी नवंबर दिसंबर के बाद से जो है मार्केट थोड़ा चॉपी रेंज में ट्रेड कर रही थी, और हमने कुछ बड़ी रिट्रेसमेंट भी देखी। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मार्केट में कोई एक अच्छा मूव आ नहीं रहा था, क्योंकि इन्वेस्टर भी तंग होना स्टार्ट हो जाता है। जो शॉर्ट टर्म में जो डी इन्वेस्टर होता है कि मार्केट में अगर अच्छा मूव ना आ रहा हो तो वो स्केल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने पैसे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन हमने उसी बारगेन में देखा कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे वो अपनी होल्डिंग्स को, अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते जा रहे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन के तरफ। अगर हम देखें तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया हमें, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया कि हमने प्रीवियस रेंज हाई जो है उसको रिटेस्ट किया अगेन, और हमने 102 जो कि मैं कहता था बहुत ही बड़ी हमारे पास SR लेवल था उसको फ्लिप किया, और हमने 105.8 जो कि प्रीवियस रेंज हाई थी उसको भी फ्लिप किया, और एंड वी वेंट अराउंड टू 100, हम कह सकते हैं 112K। अब मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया है। देखें, आप कहेंगे कि हर दफ़ा हम ये बात रिपीट करते हैं, लेकिन मार्केट में अगर एक अच्छा मूव आता है तो करेक्शन उस पार्ट गेम का पार्ट है, करेक्शन आनी होती है। उसके बाद अब हमारे पास मेजर जो लेवल्स हैं वो देखने के लिए क्या हैं। एक तो ये हमारे पास जो है ये 105 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि प्रीवियस SR था रेंज में, इसने काफ़ी ज़्यादा हमें रिजेक्शन भी हमें यहीं पर मिली हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास 105.8 जो कि प्रीवियस रेंज आई थी, रेंज के अंदर भी कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है। तो उसमें जो 105 का लेवल था वहाँ पे हमने देखी, यहाँ पे काफ़ी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। बी टैप दी रेंज हाई एंड अगेन वेंट बैक, और उसके बाद फिर हमें 105 ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो है रिजेक्शन हमें देता है और एक कन्फ्लुएंस के तौर पे एक्ट किया है। लेकिन अब उसके बाद जब हमने इसको फ्लिप किया और वी वेंट टू ऑल टाइम हाई, अभी हम मार्केट करेक्शन ले रही है। तो नेक्स्ट वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कि मार्केट मस्ट मेंटेन 105.8 और 105, इसके दरमियान जो है ये वाला जोन जो मार्केट मेंटेन करे। क्यों, इसमें क्या है, एक हमारी इधर पेंडिंग FEG है, उसके अलावा हमारे पास एक प्रीवियस रेंज हाई है, एक प्रीवियस SR हमारे पास अवेलेबल है। तो इतने कॉन्फ्लुएंस काफ़ी होते हैं मार्केट को या प्राइस को एक अच्छा बाउंस दिलाने के लिए। अगर तो हम इथीरियम की तरफ मूव करें, इथीरियम आई डोंट नो कि कब जागेगा, बट इथीरियम हैज़ टू वेक अप बिकॉज एक अच्छा मूव, क्योंकि बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है तो एक अच्छा मूव जो है इथीरियम की तरफ से हमें पेंडिंग है, जो कि अल्टीमेटली मोस्ट वेटेड जो कि रैली जिसका सब वेट कर रहे हैं उसको स्टार्ट करेगा। करेंटली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमने मार्क किया हुआ है कि 2750-2740 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमें। देखें, ये डबल रिजेक्शन यहाँ से मिली है, बहुत ज़रूरी है कि हम इसको क्लेम कर लें एंड देन वी आर गोइंग फॉर 2850-3034 एंड हायर वी हैव 3300 इंटरनल लिक्विडिटी और उसके ऊपर 3900। तो ज़रूरी है कि हम यहाँ पर टैप कर लें, और अगर तो हम बाइंग की तरफ देखना चाहते हैं तो ये 2247 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर हमें ये आगे कुछ टाइम के बाद देखने के लिए मिलता है तो आई विल रिक्वेस्ट के जो भी अगर इथीरियम को बाय करना चाहते हैं तो दिस इज द गुड लेवल जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। प्रीवियस SR भी है, उसके बाद में हमने से यहाँ से रिजेक्शन लिया और वी वेंट डाउन टू 1500-1400 और उसके बाद अगेन वी स्टार्टेड द रैली। तो की इन्फ्लुएंस क्या है, या तो हम इस लेवल का वेट कर लें आप लोग, या फिर जो है 27 अगर 50 रिक्लेम होता है तो देन यू कैन टारगेट 3034 और उसके ऊपर अबव। टोटल करंटली हमें 296 जब से हमने रिक्लेम किया उसके बाद हमारे पास जो है एक अच्छा मूव आ रहा है। उसके बाद आई विल रिक्वेस्ट के जो सारे के सारे लोग हैं, एक ऑल टाइम हाई के ऊपर जब हम जाते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना आपने थोड़ा वो जो है एहतियात रखना है और अपनी
चीज लो जो स्टॉप लॉस है उनको प्रॉफिट में शिफ्ट करें, अपनी एसेट्स को मैनेज करें, और उसके बाद अगर इन केस मार्केट इसको रीक्लेम करती है तो जो आपने प्रॉफिट बनाया उसको दोबारा एंटर कर दें। इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपने प्रॉफिट बनाया निकाल लिया, मार्केट एक अच्छा लेवल, एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस, एक अच्छा कोई भी टारगेट या फिर आपका प्रीवियस SR लेवल, उसको फ्लिप करें और आप अपने पैसे दोबारा ऐड कर लें। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे जो ओनली चार्ट जिसने इस बार कोई रिट्रेसमेंट नहीं देखी, दैट इज़ दी BTCD। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक FVG जोन है, ठीक है, मार्केट इसको फुल कर रही है, तो 64.46 के बाद आई एक्सपेक्ट के भी जो मैंने टारगेट मार्क किए थे 61.29 जो हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस भी किए, तो उधर से हम नियरली हमें मार्केट ने फ्रंट रन कर दिया। बाय एक्सपेक्ट के अगर ये FVG फिल करती है तो वी विल सी अ गुड रिजेक्शन इन BTCD एंड वी विल टारगेट 61.29, और अगर हम यहाँ से प्रे करते हैं तो अल्टीमेटली वी विल बी लुकिंग एट 57%, जो कि आगे हमारी ऑल्ट्स में एक अच्छा रिवाइवल होगा, एक अच्छा उनके अंदर रैली आएगी, एक एक हमें उसमें ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिलेंगे विच वी हैव बीन वेटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। थोड़ा सा फंडामेंटली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ दी बिटकॉइन ETF, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई एम अमेज्ड के मार्केट इतना अच्छा, एक ETF बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ला रहा है मार्केट में। हमने देखा बेशक मार्केट रिट्रेस भी कर रही है, लेकिन ETF एक ऐसा एलिमेंट था जो कि स्टिल मार्केट में जो है वो अच्छा कैश ला रहा है, एक अच्छा एक अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है। स्टिल जो बड़ा इन्वेस्टर है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म होल्डर है, जो एक एवरेज बायर है वो सेल करी जा रहा है। तो आप अपना सेल कर रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बाय, ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू बाय, जो जिसको आप लॉस पे सेल कर रहे हैं बिकॉज दे नो समथिंग दैट यू डोंट। इथीरियम अभी थोड़ा सर का दर्द बना हुआ है बिकॉज ETF इज नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है, हार्डली हमें यहाँ पे जो एक दिन ही 100 million से ऊपर की वॉल्यूम मिला, उसके अलावा हमें कोई एक ऐसा स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं मिला। आई एक्सपेक्ट के जब बिटकॉइन में इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा इथीरियम अपनी चेन पे फंडामेंटली काम उन्होंने स्टार्ट किया है, और अगर वो इसी तरह इम्प्रूवमेंट करते रहे तो इथीरियम फाउंडेशन बेसिकली, तो हमें जो है एक अच्छा वॉल्यूम इथीरियम के अंदर भी मिल सकता है, जो कि अल्टीमेटली जैसे बिटकॉइन में रैली आई थी लास्ट जनवरी के बाद, और इस तरह हमें इथीरियम में भी देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा और अगर हम फंडामेंटली हम अपने चार्ट्स वगैरह डिस्कस करें, चेंज इन प्रॉफिट सप्लाई इन बिटकॉइन, ये नॉर्मली हमें बताता है, ये बेसिकली ये जो चार्ट है रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट टर्म होल्डर्स का। शॉर्ट टर्म होल्डर्स में हमें बताता है कि हमने लास्ट कितनी परसेंट जो है शॉर्ट टर्म होल्डर्स में ये प्रॉफिट में है, कितने परसेंट लॉस में है। तो अगर हम देखें तो अभी ये वाला जो लास्ट हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में मोस्टली जो शॉर्ट टर्म होल्डर था वो प्रॉफिट में था, और एवरेज प्रॉफिट जो भी उसकी पोजिशन पे दैट वॉज अराउंड 71%। अगर हम सेकंड चांस पे आए तो यूफोरिया जोन, जिसका मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, जो हमें लॉन्ग टर्म होल्डर्स और शॉर्ट टर्म होल्डर्स की MVR मीन वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू बताता है, जो कि एक इंडिकेटर भी है कि मार्केट को, मैंने आपको बताया अगर 4.5 से 5 के दरमियान जाए तो आपने अपना जो है वो पोजिशन को स्टॉप लॉस में शिफ्ट ऊपर शिफ्ट करना है, और आगे 6-7 पे अगर हम जाते हैं तो दैट इज़ द टाइम कि आप जो है वो ओवरऑल एग्जिट करना स्टार्ट कर दें। स्टिल लॉन्ग टर्म होल्डर्स का MVR इट इज़ एट 3.30, ठीक है, शॉर्ट टर्म होल्डर्स 1.13, और एवरेज MVR इज़ अराउंड 2.33। तो ये भी एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस है जो कि आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट हैज मच मोर रूम टू ग्रो। अगर हम बिटकॉइन का रियलाइज्ड कैप देखें और परसेंटेज चेंज देखें तो हमने देखा है इसमें रियलाइज्ड कैप इज अराउंड 908 billion, ठीक है, और जो कि बहुत ही अच्छा एक हमें एक मूव देखने के लिए मिला है। देखें रियलाइज्ड कैप हमारा ग्रो करता जा रहा है और बिटकॉइन की प्राइस भी उसके साथ हमें फॉलो करती नजर आ रही है। अगर हम एंटिटी एडजस्टेड शॉर्ट टर्म होल्डर्स को देखें बहुत ही टाइम के बाद देखें, बिल्कुल नियरली कोई 5 February से उसके अलावा 21 April तक बिल्कुल हमें कोई मूव नहीं देखने के लिए मिल रहा था पूरे शॉर्ट टर्म होल्डर्स की सप्लाई में, बट आफ्टर दैट वी हैव सीन अ वेरी ग्रेट मूव, 11.68 billion जो है उन्होंने 30 days के अंदर प्रॉफिट मिला है, जिसको वो स्केल आउट भी किया, और हम जिस यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने इस प्रॉफिट को निकाला और अल्टीमेटली दे विल एंटर द पोजिशन अगेन। लास्टली दे अगर ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स की सेल साइड रेशियो देखें तो इट इज़ फाइनली जो मीन को रीटेस्ट करने के बाद दे आर अल्टीमेटली गोइंग इन प्रॉफिट अगेन। तो ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो एवरेज इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म होल्डर है, दे आर इन प्रॉफिट। सो दे आर व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट, और ये जो अपना जो प्रॉफिट इन्होंने यहाँ से कैप से निकाला दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू पुट इट अगेन। हमने काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज देखे, काफ़ी हमने नेगेटिव न्यूज़ भी देखी, एक पार्ट फेड का भी है जो स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द रीजंस टू कट रेट्स,
लेकिन ये अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन इस पूरी रैली में बहुत स्ट्रांग रहा है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट ली 69 से, उसके बाद फिर हमने देखा 49 पे गए, अगेन हमने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट ली और हमने 72 तक गए, और उसके बाद फिर हमने हमने 112K का एक हाई बनाया। तो आई एक्सपेक्ट जो इस पूरे सीजन में बिटकॉइन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आने वाले टाइम में देयर विल बी अ टाइम कि ये जो सारा कैप जो इन्होंने बिटकॉइन से और जो बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, इट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स इथीरियम और अल्टीमेटली दी अदर टोकन्स एसोसिएटेड। तो पूरी सीजन हो गए कहते हो, लेकिन बट आई विल से अगेन के जहाँ हमने इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा और सही, लेट्स वेट फॉर गुड डेज, दे आर क्वाइट नियर आई कैन टेल यू, बट लेट्स वेट फॉर दैट। अभी अगर हम डिस्कस करें तो इस मंथ इस वीक में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मार्केट को एक शॉक लगा दिया। हमने देखा एक सीटस जो डेक्स है सुई के ऊपर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो कुछ दिन पहले टॉप गेनर्स के अंदर भी था, लेकिन एकदम एक अनसडन सी और एक अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट ने जो है वो उसको एक टॉप गेनर से टॉप लूजर बना दिया। तो इसके बारे में हमें क्रैकन बताएंगे थोड़ा डिटेल से कि ये किस कि क्या इंसिडेंट था, इसमें क्या हुआ और अफेक्टेड पार्टी का क्या इसके अंदर है और क्या उस आगे वो जो है इसके लिए करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल हसन भाई, जिस तरह हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि देयर वाज लाइक 400 मिलियन डॉलर कॉइन बेस हैक, अनफॉर्चुनेटली हैक स्टिल कंटिन्यूज। इस वीक हमारे पास न्यूज़ आती है कि सीटस प्रोटोकॉल हैज बीन कम्प्रोमाइज्ड। अब सबसे पहले सीटस प्रोटोकॉल है क्या? सीटस प्रोटोकॉल इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, इट्स अ डेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीटस प्रोटोकॉल इज ऑल्सो अ लिक्विडिटी प्रोटोकॉल जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और ये ऑपरेट करता है सुई एंड एप्टोस ब्लॉकचेन्स के ऊपर। जिसकी वजह है कि आपने देखा होगा कि आफ्टर दिस कॉम्प्रोमाइज सुई और एप्टोस में एक करेक्शन आई थी बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले इस बैकग्राउंड इस हैक के बारे में जानने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि सीटस प्रोटोकॉल का एक्चुअली मॉडल क्या है। सो बेसिकली इट वर्क्स ऑन कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी मार्केट मेकर, एक ऑटोमेटेड लिक्विडिटी मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जिसके बेस पे ना कैपिटल एफिशिएंसी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को ना इन्हांस करते हैं, ठीक है। और जिस तरह ये सुई को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे बेसिकली वो इन्हांस होती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड CLMM या एक और टर्म यूज होती है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मॉडल। ये उस बेस पे ना ये काम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जो ये हैक हुआ है, दे एक्चुअली कंप्रोमाइज देयर CLMM मॉडल, जिसकी वजह से इन जो हैकर था उसने जो अटैक किया है फेक टोकन्स को, ही वाज सक्सेसफुल इन स्वैपिंग टू एक्चुअल USDTs सुई एंड सीटस प्रोटोकॉल, जिसकी वजह से उसने ऑलमोस्ट 223 बिलियन डॉलर्स के सीटस प्रोटोकॉल हैक कर लिए थे। फॉर्चुनेट इनफ दे सीटस प्रोटोकॉल वाज क्विक इनफ टू रिएक्ट। उसमें से 162 मिलियन डॉलर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज फंड्स हैव बीन सक्सेसफुली पॉज्ड। अलोंग विद दैट, सीटस प्रोटोकॉल हैज आल्सो अनाउंस्ड के दे विल बी यू नो दे विल बी अनाउंसिंग 5 मिलियन बाउंटी फॉर दैट हैकर। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दे हैव ऑलरेडी अप्रोच द हैकर टू यू नो सिंसियरली कंसिडर देयर ऑफर टर्म्स। सीटस प्रोटोकॉल ने उनको उस हैकर को मतलब ऑफर भी कर दी है। अब वो ऑफर क्या किया है दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड एट द मोमेंट। एंड सेकेंडली, सीटस प्रोटोकॉल ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनके इनर जो ये मॉडल था वो उसमें से एक पैकेज पे अटैक करने हैक किया था, बट इस पे भी उन्होंने फर्दर कोई मतलब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया, बट दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट इट वॉज देयर इंटरनल कैन फ्लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट, दे हैव ऑलरेडी इंश्योर दैट दे हैव ऑलरेडी फिक्स द रिलेटेड पैकेज एंड इन्फॉर्म इको सिस्टम बिल्डर्स एज फास्ट एज यू नो दे कैन हेल्प फ्रॉम इको सिस्टम मेम्बर्स टू प्रिवेंट अदर टीम्स बींग इफेक्टेड। तो सीटस ने अपना एवरीथिंग दे हैव टेकन केयर ऑफ। अब आगे चल के ये अब देखना है कि आइदर हैकर जो जिन्होंने भी ये अटैक किया दे एक्सेप्ट द सीटस प्रोटोकॉल टर्म्स और सारे फंड्स वो वापस करते हैं। इफ दे डोंट, सीटस विल बी प्रोसीडिंग विद अ बाउंटी ऑफ 5 मिलियन, और ये 5 मिलियन की बाउंटी दो एक फर्म है इनका डिजिटल और सुई फाउंडेशन के साथ मिलके ना वो जिसको ये सीटस लीड करेगी और उनके साथ मिलके ये बाउंटी के साथ आगे जाएंगे। अगेन देखा जा सकता है कि ये कोई पहला हैक अटैक नहीं है इस बुल रन में। इस तरह के फ्रॉड्स और अनसर्टेनिटीज आती रहती हैं। पहले पास
कुछ फ्यू मंथ्स बैक वी हैड अ बिट गेट इथेरियम हैक एंड देन वी हैव अ 400 मिलियन कॉइन बेस हैक. अब ये सीटस प्रोटोकॉल का हैक हो गया, जिसकी वजह से सीटस प्रोटोकॉल यू नो शॉर्ट डिक्लाइन इन प्राइस, और सुई भी इससे इफेक्ट हुआ था. अब सुई अक्सर लोग पूछते हैं कि सुई क्यों इफेक्ट हो रहा है, या सुई पे डायरेक्ट अटैक हुआ है. नो, सुई पे या एप्टोस पे डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, बिकॉज सीटस प्रोटोकॉल वॉज द लिक्विडिटी प्रोवाइडर फॉर द सुई एंड एप्टोस ब्लॉकचेन. सिर्फ उस रीजन की वजह से सुई और एप्टोस की प्राइस में डिक्लाइन आया है. रेस्ट सुई सेफ, एप्टोस इज सेफ, सीटस प्रोटोकॉल वॉज कॉम्प्रोमाइज, बट देयर टीम इन श्योर दैट एवरीथिंग इज बैक नाउ. 223 मिलियन ऑफ फंड्स वर कॉम्प्रोमाइज, जिसमें से 162 मिलियन कॉम्प्रोमाइज फंड में से दे हैव सक्सेसफुली फ्रीज्ड, और उन्होंने जो हैकर का इथेरियम वॉलेट है और एड्रेस है वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, और वो उसके ट्रैक्स ढूंढ रहे हैं कि वो किस किस एक रूट से, या तो वो डेक्स पे उसको स्वाप कर रहा है या किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो उसको स्वाप करने की कोशिश करेगा, एंड दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट द सेंट्रलाइज पार्टी टू फ्रीज दोज फंड्स. सो दिस वॉज द होल मतलब एक प्रोटोकॉल जो सिटीज प्रोटोकॉल हैक था, दिस वॉज ऑल अबाउट इट. मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास बहुत हमारे जो डायमंड टीयर है विच इज आर टॉप टीयर, उसमें हमारे पास ग्रेट न्यूज थी. आपने अदनान भाई के रील्स देखेंगे, वी हैव अनाउंस्ड अ फ्री डायमंड टीयर फॉर ऑल. उसकी मजीद इंफॉर्मेशन जानने के लिए यू कैन ज्वाइन आर डिस्कॉर्ड, क्रिएट अ टिकट एंड आर मोर विल हेल्प यू आउट टू हाउ to claim the free access of a diamond tier. So this was all it for episode 59. See you guys next क्रैकन week. मैं ना इसके अंदर ऐड करूँगा कि जो सुई का जो भी डेक्स का सीटस का हैक आया, इसमें हमने पहले भी हैक देखे और हमें देखा है, हमने देखा है कि कुछ ना कुछ जो है इसमें एल्गोरिदम्स और इसे डील करके जो है वो पूरे जो है डेक्स को या फिर एक्सचेंज को हैक कर लेते हैं. देखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे चीज़ की एक वो बढ़ती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है, मार्केट की एक्सेप्टेंस बढ़ती है, तो डिफरेंट तरह के लोग इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं. लोग पहले भी होते हैं, लेकिन अगर तो मार्केट में एक एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोगों का नॉलेज लेवल इन्हांस होगा, तो लोग शॉर्टकट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं. लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जाके लोगों का पैसा एक्सप्लॉइट करें, वो आपका पैसा जो है वो इस तरह कैच करते हैं. तो आपकी सबसे बड़ी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर तो आप एक्सचेंज यूज़ करें, देखिए एक्सचेंज हैक हो जाती है, बिटगेट हैक हो गया, सॉरी बायबिट हैक हो गया था, तो इसी तरह किसी कोई और भी एक्सचेंज हैक हो जाएगी. तो अगर तो आपने तो बेसिक मेरी गाइड आपको ये है कि अगर तो आपके पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल है तो आप उतने फंड्स रखें जिससे आप ना ट्रेड करते हैं एक्सचेंज के ऊपर. उसके अलावा अपने वॉलेट्स को, अपने कोल्ड वॉलेट्स को बहुत ज़्यादा संभाल के रखें, बहुत संभाल के रखें. हमने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अभी रिसेंट पास में देखे हैं कि लोग जो है वो क्रिप्टो के पीछे जो है वो किडनैप कर रहे हैं, क्रिप्टो के पीछे जो है वो मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, और इस तरह की जो बाउंटीज हैं वो आ रही हैं. तो आप अवॉइड करें, ब्रैग करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास फंड्स हैं, अच्छे फंड्स हैं, अल्लाह आपको और दे, लेकिन इसके बारे में ब्रैग ना करें. अपना जो इसी तरह आपने आपको सेफ रखे हैं, ट्रेड करते रहें. तो जिस अगर तो मैंने बताया आपको नॉलेज बढ़ी है, तो लोग बहुत ज़्यादा तरीके ढूंढेंगे एक्सप्लॉइट करने के. तो आपका बेसिक एम होना चाहिए, आपने इन सबसे बचना है, अपने फंड्स को सिक्योर रखना है, अपने एसेट्स को सिक्योर रखना है, ताकि जो आप हैं आगे चल के इन एसेट्स को यूटिलाइज करें, एक अच्छा जो प्रॉफिट है, एक अच्छा PNL जो है वो अपना पोर्टफोलियो ग्रो करें. जी बिल्कुल हसन भाई, एज यू सेड के जिस तरह क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसी तरह दिस इज नॉट द फर्स्ट अटैक एंड दिस विल नॉट बी द लास्ट अटैक एज वेल. तो इस तरह के ये अटैक्स चलते रहते हैं, देर विल बी बाउंटीज, देर विल बी सम रिकवरीज, देर विल बी फंड्स फ्रोजन. बायबिट के साथ भी ये हुआ, उन्होंने कुछ ईथ फ्रोज कर दिए. सेम गोज विद कॉइन बेस थिंग, सेम गोज विद सोई प्रोटोकॉल, सॉरी सिटस प्रोटोकॉल, और इसी तरह कंटिन्यू रहेगा. And that's all from our side for this week, episode 59. See you guys in next week for episode 60 with new updates and new market trends. See you guys. Allah Hafiz.